नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन सेशन अब बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट अन अकेडमी इज बैक विद हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन अचीविंग देयर गोल ऑफ क्रैकिंग यू एंड अन अकेडमी हेज़ लॉन्च लोन फॉर यू प्रिपरेशन नाउ डोंट वरी फॉर एनी फाइनेंशियल हर्डल कमिंग एवे अन अकेडमी हैज़ गॉट यू कवर्ड You can start your UPSC preparation with an academy without any problem. An academy loan comes with zero processing fees at 0% interest rate. Your loan will be approved in two hours with no hidden charges and minimal paperwork. Click on the link given below and fill out the form, use code Arpita10ARPITA10 and name of educator Arpita Sharma, and the team will reach out to you for further procedures. अवेल दिस ऑपर्चुनिटी नाउ एंड किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन हरी नाउ इन टूडेज लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट डार्क मैटर कैसलर इफेक्ट एंड स्पेस लॉज बिफोर गेटिंग इन टू मच डिटेल हम पहले बात करते हैं लेग्रांच पॉइंट्स की पॉइंट्स का जो कंसेप्ट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वैन इट कम्स टू स्पेस टेक लेगर जिनको कि लेग्रेंजियन पॉइंट भी कहते हैं दीज आर पॉइंट्स नियर टू लार्ज बॉडीज इन ऑर्बिट वेअर अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स पोजिशन रिलेटिव टू दी लार्ज ऑर्बिटिंग बॉडीज़ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इसको सिंपल तरीके से अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो अगर हैवी बॉडीज़ हैं जिनका मास एम वन और एम टू है जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं डायग्राम में देख सकते हैं राइट एंड साइड पर सपोज कीजिए जो पॉइंट्स हैं एल वन एल फोर एल टू एल फाइव एल थ्री ये सारे लेगरांच पॉइंट्स हैं लेकिन आपको केवल यहाँ पर सन और जो अर्थ है इसको देखना है इसको दो ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है जो दो पॉइंट्स हैं या जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर भी किसी ना किसी तरीके का फोर्स लगाते हैं एग्जर्ट करते हैं फोर्स जिसको कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के संदर्भ में समझ सकते हैं अब जब ये दोनों फोर्सेस के बीच में अगर आप कोई भी पॉइंट रखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरा रखते हैं थर्ड ऑब्जेक्ट रखते हैं सपोज करिए आपके पास दो बॉल्स हैं एक बॉल है रेड कलर की और एक दूसरी जो बॉल है वो है आपकी ग्रीन कलर की ये दो बॉल्स जो हैं आपके दो ऑब्जेक्ट डिनोट करते हैं अब ये दोनों ही बॉल्स यानी कि रेड और ग्रीन जो बॉल्स हैं ये दोनों ही एक दूसरे पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल पुल है रेड ग्रीन को खींचेगा और ग्रीन रेड को अपनी तरफ खींचेगा अगर हम रेड और ग्रीन के बीच में एक छोटी सी कोई बॉल सपोज करिए ब्लू बॉल अगर हम डाल देते हैं बीच में तो वो जो ब्लू बॉल है वो या तो रेड की तरफ जाएगी रेड बॉल की तरफ या फिर ग्रीन बॉल की तरफ जाएगी क्योंकि दोनों ही ग्रेविटेशनल पोल लगा रहे हैं इसलिए हमें उन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है उस पर ऐसा कोई पॉइंट देखना पड़ेगा जहाँ पर जो ब्लू बॉल है वो ना तो रेड उसे अपने तरफ खींच पाए और ना ही जो ग्रीन है वो उसे अपनी तरफ खींच पाए यानी कि एक तरीके से बैलेंस हो जाए सपोज करें जैसे कि आपने टग ऑफ़ वॉर के गेम में भी देखा होगा जब टग ऑफ वॉर जिसको कि हम नॉर्मल जो हिंदी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उसमें बात करते हैं टग ऑफ वॉर की या जिसमें हम रोप पकड़ते हैं जो कंटेस्टेंट हैं वो चार या पांच जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर रहते हैं कुछ राइट हैंड साइड पर रहते हैं और वो एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ और जो भी एक पर्टिकुलर बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है वो कैन वो कंटेस्टेंट्स या वो टीम हार जाती है और सामने वाली जीत जाती है लेकिन आप देखेंगे कि अगर सारे के सारे कंटेस्टेंट जितने भी लेफ्ट साइड पर और राइट right साइड पर हैं अगर वो एक ही तरीके की फोर्स लगा रहे हैं यानी कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स कैंसिल आउट कर देती है एक दूसरे को तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ना तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टीम है वो राइट right वाले को खींच पा रही है ना ही राइट वाली लेफ्ट को खींच पा रही है यानी कि स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है उसी तरीके से लेग्रांज पॉइंट्स होते हैं जो कि स्पेस के अंदर ऑर्बिट्स के अंदर जब दो बड़ी लार्ज बॉडीज होती हैं जिनका कि ग्रेविटेशनल पुल काफ़ी ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू देर मासिस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन दम ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी रखी जाए तो उसके वो ना तो बॉडी ए की तरफ अट्रैक्ट होगी ना ही बॉडी बी की तरफ वो कैंसिल आउट होकर बीच में स्टेबिलिटी पकड़ लेगी उसी को हम लेकर कहते हैं जैसे कि अगर आप सन और अर्थ के एग्जाम्पल में यहाँ पर एलवन वाला पॉइंट देखेंगे तो एलवन पॉइंट के ऊपर अगर आपने कोई भी बॉडी रख दी तो वो इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगी किसी भी ना तो सन की ग्रेविटी की वजह से ना ही अर्थ की ग्रेविटी की वजह से और वो अपने आप को वहीं पर अलाइन कर लेगी इट मीन्स दैट इफ़ सपोज देर इज एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ एल वन या एल टू या एल थ्री या एल फोर या एल फाइव ऐसी फिगर द ऑब्जेक्ट में नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ़ इधर द सन और द अर्थ और ये जो लेगरांच पॉइंट्स हैं ये आपको इम्पॉर्टेंस इनकी याद रखनी है कि कौन सा कहाँ पर है आप जो आप डायग्राम देख सकते हैं उसमें एल वन जो है उसकी आपको पोजीशन पता होनी चाहिए एल्टू की पोजीशन पता होनी चाहिए और ये जो लगरांच पॉइंट्स की जो पोजीशन है इसकी वजह से होता है जब हम स्पेस टैक के बारे में बात करते हैं ऑर्बिट्स और जो हमारे लॉन्च व्हीकल्स होते हैं जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं तो हम जब भी इनको ऑर्बिट्स में भेजते हैं एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल की अगर हम बात करें तो हमें ऐसी पोजीशन चाहिए होती है जहाँ पर वो स्टेबिलिटी पकड़ सकें जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिकॉर्डिंग लॉन्च व्हीकल्स होते हैं जहाँ पर रिकॉर्डिंग या मोनिटरिंग के लिए जो यूज़ करे जाते हैं फोटोग्राफ्स के लिए यूज़ करे जाते हैं ऐसे केस के अंदर हमें कई बार ज़रूरत होती है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स हो जाए इसलिए लेगरान्च पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है सो यू शुड रिमेंबर ना इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं देखिए आप अभी जो डायग्राम नंबर टू है इसमें भी आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं कि लेकरांच पॉइंट्स कहाँ पर हैं आप देखिए जो L1 वाला जो लेगरच पॉइंट है वो सन से इतना ज्यादा दूर इसलिए है क्योंकि सन की जो ग्रेविटी है इन कंपैरिजन विद अर्थ और जो उसका मास है वो ज्यादा है इसलिए आप देखेंगे कि L1 जो है जो डिस्टेंस है लेगरांच पॉइंट की फ्रॉम द सन वो भी ज्यादा है सो यू शॉड ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग सिंस ऑब्जेक्ट्स कैन रिमेन एट लेगरान पॉइंट्स विदाउट डिस्टर्बेंस साइंटिस्ट आर प्लानिंग टू पुट अप स्पेस स्टेशंस टू स्टोर स्टफ इमरजेंसी फैसिलिटी एंड एट्सट्रा फॉर फ्यूचर स्पेस क्राफ्ट एंड मिशन स्पेशली जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस की या फर्दर हम अगर स्पेस uh, स्टेशन्स की बात करते हैं वहाँ पर लेगरांच पॉइंट्स का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है इमरजेंसी एग्जिट या फैसिलिटीज़ के रूप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं सो यू शुड रिमेंबर वॉट आर लेगरच पॉइंट्स सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लेगरांच पॉइंट्स बैलेंस पॉइंट हैं जहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है दो बॉडीज के बीच में क्योंकि वो दोनों बॉडीज अपनी द... एक दूसरे की तरफ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स दैट दे आर एग्जर्टिंग ऑन ईच अदर और उसकी वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में है तो या तो वो सन की तरफ जाएगा या अर्थ की तरफ उसको काउंटर एक्ट करने के लिए एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों फोर्स कैंसिल आउट कर दें बैलेंस कर दें या इक्वली अचीव कर दें उनको हम कहते हैं लेग्रांज पॉइंट्स नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी जी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी बड़ा ही साइंस फिक्शन मूवी का एक शब्द लग सकता है बट यू शुड रिमेंबर की दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज यू पी एस सी प्रम्स कंसर्न ऐसा क्यों है बिकॉज रिसेंटली साइंटिफिक डेवलपमेंट्स में पाया गया कि देयर इज समथिंग नोन एज डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी जो कि एग्जिस्ट करता है वाई समथिंग मस्ट होल्ड आर सोलर सिस्टम गैलेक्सीज एंड क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज टुगेदर और इसमें हमें पता है कि इन सब चीज़ों को होल्ड करने के लिए जो ग्रेविटी है वो एक तरीके से ग्लू का काम करता है किसी भी चिपकाने वाली सबस्टेंस uh, का काम करता है बट देर इज सम फ्लक्स ऑफ वेरियस हॉट गैसेज एंड मैटर दैट सराउंड स्पेसिस इन द गैलेक्सीज दैट आर इन्विजिबल अभी जो इन्विजिबल चीज है जो कि जितना भी हम फिजिकल uh, जो मैटर है या जो हॉट गैसेज हैं उनको देख सकते हैं लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा भी इन्विजिबल मैटर है अभी इन्विजिबल मैटर आया क्यों इट वॉज सिंपली बिकॉज जब आप एक इक्वेशन को बनाते हैं एक इक्वेशन को फॉर्मुलेट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की वजह से तो वहाँ पर अंटिल एन एनलेस आप दोनों को बैलेंस नहीं कर पाते वो इक्वेशन ही फॉर्म नहीं हो पाएगी इक्वेशन का मतलब ही है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस और अगर वो फॉर्म नहीं कर पाती है तो हम कॉन्स्टेंट का यूज़ करते हैं अब यही कॉन्स्टेंट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की फॉर्म में निकलता है द इन्विजिबल मैटर जो कि डिटेक्ट नहीं हो पाता है उसी को हम डार्क मैटर कहते हैं नाउ द क्वेश्चन कम्स दट वेन डार्क मैटर इज़ इन्विजिबल एंड अनडिटेक्टेबल तो हमको इसका आइडिया ही कैसे लगा फर्स्ट प्लेस में देखिए इट वॉज ऑब्जर्व बाय द फॉलोइंग थिंग्स पहला जो गैलेक्सीज की स्पीड है उसको रिकॉर्ड करा गया उसके बाद द स्पीड जो है जो गैलेक्सीज की स्पीड है वो गैलेक्सी के मास से भी डिपेंडेंट है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जहाँ पर हम फिजिकल लॉज फिजिकल रियालिटी में बात करते हैं फिजिक्स की भौतिक विज्ञान की आप इसको सिम्पल से आ, एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जितना हाई जितना भी ज़्यादा मास होगा स्पीड में उसका फर्क पड़ेगा उसका इन्फ्लुएंस रहेगा ये देखा गया इट वॉज सीन दैट द मास ऑफ द गैलेक्सीज प्रेजेंट वॉज नॉट मैचिंग द दस्टिमेट्स ऑफ स्पीड यानी कि जो मास है गैलेक्सीज का और जो उनकी स्पीड है उसके बीच में इक्वेलिटी नहीं आ रही थी वो इक्वेशन की फॉर्म में प्रॉपर नहीं बन पा रहा था यानी कि देर हैज टू बी अ थर्ड थिंग ऑल्सो विच इज़ इन्फ्लुएंसिंग द स्पीड एंड द मास ऑफ द गैलेक्सीज और इसलिए डार्क मैटर को थ्योराइज करा गया और ये जो अननोन पार्ट था इसको ही डार्क मैटर का नाम दिया गया कि ये अनडिटेक्टेबल और इनविजिबल है नाउ विल बी स्टार्टिंग मोर अबाउट द स्पेस डेब्री देखिए इतने सारे सैटेलाइट चाहे वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हो चाहे वो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में हो चाहे वो एलई ओज में हो एम ईओज में हो या एच ई ओज में हो यानी कि हाई अर्थ ऑर्बिट में उन सभी ऑर्बिट्स में इतने ज्यादा सैटेलाइट्स इतने ज्यादा लॉन्च व्हीकल्स भेजे गए हैं रॉकेट्स जो थर्ड स्टेज के जो इंजनस में लगे रहते हैं फोर्थ स्टेज में इतना ज़्यादा स्पेस डेबरी यानी कि मलवा जो है जिसको कि हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं हिंदी में अगर ट्रेडिशनली बात करें जाएं तो जितना भी स्पेस डेबरी है वो स्पेस में घूम रहा है और उसकी वजह से ही ओवर क्राउडिंग होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की द नीड फॉर सेटेलाइट्स टू ह्यूमन्स फॉर वेरियस एप्लीकेशन इज लेड टू एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स इन प्रोजेक्ट्स की वजह से क्या होता है जो भी रेमिनेंट्स होते हैं जैसे हमने समझा कि जब पेलोड्स को हम लॉन्च व्हीकल पर लगा के छोड़ते हैं और वह स्पेस में जाता है तो धीरे धीरे करके जो भी उसके साथ इंजन अटैच होते हैं जो सॉलिड रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम है उसके बाद लिक्विड है या अगर हम पीएसएलवी में बात करें जी एस एल में बात करें जो क्रायोजेनिक इंजनस हैं जैसे जैसे वो हटते जाते, जाते हैं और पेलोड की लास्ट स्टेज बचती है और पेलोड अपने आप या जो सेटेलाइट है वो काम करने लग जाता है ऑर्बिट के अंदर अपने आप जाने लग जाता है उस इंस्टेंस पर बहुत सारा डेबरी भी होता है बहुत सारा जो लेफ्ट आउट मैटर है वो बच जाता है जो कि अभी भी स्पेस में घूम रहा है The remnants ऑफ दिस projects आर लेफ्ट इन द आउटर स्पेस टू रिवॉल्व और इसी को हम बोलते हैं स्पेस डेबरी अब इतना ज्यादा बड़ा स्पेस है कि स्पेस डेबरी एक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लेकिन ये प्रॉब्लम को समझाया डोनाल्ड जे कैसलर ने 1978 में उन्होंने ये प्रेडिक्ट करा कि जो स्पेस डेबरी है सपोज कीजिए अगर एक छोटा सा स्पेस डेबरी एक छोटे से दूसरे स्पेस डेबरी से कोलाइड करे और वो कोलाइड करते हुए इतने ज़्यादा उसके अंदर डिसहार्मोनी हो जाए और वो जो पूरा सिस्टम एक बैलेंस में था जैसे आपने डोमिनो वाला गेम देखा होगा उसमें क्या होता है कि जो छोटा सा अभी एक डोमिनो होता है उसको गिराया जाता है और जितने भी आगे कार्ड्स या जो जितने भी आगे डोमिनो के पीसेज होते हैं वो लाइन से एक साथ गिरने लग जाते हैं उसी तरीके से कैसलर ने ये डोनाल्ड जी कैसलर ने ये बोला कि अगर एक स्पेस डैबरी दूसरे से कोलाइड करेगा तो ये हैवॉक यानी कि बहुत बड़ी डिजास्टर हो सकती है क्योंकि अगर एक दूसरे से करेगा दूसरा तीसरे से तीसरा चौथे से चौथा पाँचवें से और ये सीरीज चलती ही जाएगी उससे होगा ये कि बहुत ज़्यादा कोलिजन होंगे जो कि केवल एक सिंगल पेयर तक कन्फाइन नहीं रह पाएंगे और इससे हो सकता है कि जो पूरा सिस्टम सेटअप आपने ऊपर करा हुआ है स्पेस के अंदर वो बिगड़ जाए और सारा स्पेस डेब्री एक दूसरे से आ, आ, जो है आपका कोलाइड करे और उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकती है विच कूड हिट अदर डेबरिस और इससे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा जिसको कि कैसुलर इफेक्ट कहा गया नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेस लॉज देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के अपने लॉज हैं नेशन अलग अपने लॉज देते हैं स्टेट के अंदर अलग लॉज होते हैं बट देर इज ऑल्सो वन थिंग विच इज नोन एज स्पेस लॉज अब स्पेस लॉ का जो ओरिजिन है इट गोज बैक टू 1919 में विद द इंटरनेशनल लॉ रिकोगनाइजिंग ईच कंट्रीज सोवरेनिटी ओवर द एयर स्पेस डायरेक्टली अबव दर टेरिटरी। इसको कि इसको हम शिकागो कन्वेंशन में भी री करा गया था 1944 में यानी कि जितना भी एक कंट्री की जो सोवर्निटी है वो केवल उसके इंटरनल मैटर्स में या उसकी नेशनल जो बाउंड्री है वहाँ तक की कन्फाइंड नहीं है बल्कि वो एयर स्पेस तक भी कन्फाइंड है वो जो भी एयर स्पेस उनके ऊपर आ रहा है डायरेक्टली ओवर देयर हेड वो भी अंडर द टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री, वो भी सोवनेटी में आएगा कोल्ड वॉर के बाद the treaty on principles governing the activity of states in the exploration and use of outer space started which includes the moon and other celestial bodies and the international telecommunication union have served as the constitutional legal framework and set of principles and procedures constituting space law so you should remember these the name of these treaties और कहां पर ये साइन हुई और इनका ईयर था बिकॉज समटाइम्स हैज़ दिस टेंडेंसी यूपीएससीज पर वो एबीसी फॉर्म में फैक्ट्स को दे देते हैं एंड यू शुड रिमेंबर दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स अब बात करते हैं कि इसकी नीड क्यों आई स्पेस लॉज की वॉट इज अ नीड देखिए एक नासा के एस्ट्रोनॉट थे एन ए मेकलैन ही वॉज एक्यूज बाय हर इंस्ट्रेंजेंट स्पाउस समर वार्डन ऑफ साइनिंग इन टू वार्डन पर्सनल बैंक अकाउंट फ्रॉम अ नासा एफिलियटेड कंप्यूटर अबोर्ड दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर यानी कि स्पेस में अगर कोई क्राइम कमिट करा गया था मिस्टर मैकलेन के द्वारा तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये क्राइम है या नहीं है और इसको सही या गलत बनाने का जो पैरामीटर है वो कौन खड़ा करेगा यही इसकी स्पेस लॉस की नीड थी फर्दर दू यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन दीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस जिसको कि हम सी ओ पी यू ओस के नाम से भी जानते हैं अलॉन्ग विद इट्स लीगल एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल सब कमिटीज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिबेटिंग इशूज़ ऑफ इंटरनेशनल स्पेस लॉ एंड पॉलिसी अब स्पेस लॉ का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही साइंस फिक्शनल कंसेप्ट लगता है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्लानट्स और गैलेक्सीज और वहाँ पर एक लॉ काम करता है लेकिन यू शुड रिमेंबर कि स्पेस लॉ एक्चुअली एग्जिस्ट द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स जिसको कि यू एन डब्ल्यू एस ए भी बोला जाता है सर्व्स एज द सेक्रेटेरिएट ऑफ द कमिटी तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना कई बार हो सकता है आपको यू जनरल असेंबली का नाम दे दिया जाए या किसी और ऑर्गन का नाम दे दिया जाए यूनाइटेड नेशंस का यू शुड रिमेंबर दैट यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स सर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ द कमेटी एंड इज प्रमोटिंग एक्सेस टू स्पेस फॉर ऑल थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्फ्रेंसिज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स अब देखिए इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं जब हम बात करते हैं स्पेस लॉज की जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो हमेशा से ही ह्यूमन्स के या जो होम्योसिपियन की जो प्रजाति है हमेशा से रहा है इसलिए जो जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो हमें हमेशा से ही इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसकी वजह से आप देखेंगे राइट्स ड्यूटीज़ और पूरा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है लेकिन आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो इनजस्टिस या जस्टिस की जो लड़ाई है वो केवल डोमेस्टिक नीड्स तक नहीं है वो केवल नेशनल बाउंड्री या जियोपोलिटिक्स या किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन तक नहीं है स्पेस तक भी है लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं द चैलेंजेस दैट स्पेस लॉ विल कंटिन्यू टू फेस इन द फ्यूचर आर स्पेनिंग अक्रॉस डायमेंशन फॉर डोमेस्टिक कम्पलायंस इनकी डोमेस्टिक कंप्लायंस कौन मानना चाहता है कौन नहीं मानना चाहता है वो एक बहुत बड़ा इशू है ये सेम इशू आप देख सकते हैं जितने भी इंटरनेशनल या मल्टी लेटरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके साथ भी है ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसको कितना मिलेगा उसके बाद हम बात करते हैं एथिक्स एथिक्स इज आल्सो मेजर चैलेंज फॉर स्पेस लॉज क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं कि ये चीज़ गलत और ये चीज़ सही है वो हर कंट्री का डिफरेंट है हर लॉ में हम एक पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं दे सकते कि यही सही है फॉर एग्ज़ाम्पल गन्स को रखना जितना आसान अमेरिका के अंदर है उतना आसान इंडिया में नहीं है और इससे जो प्रपोज्ड एथिकल इशूज़ हैं वो भी आते हैं द मेजर चैलेंज द एडवेंट ऑफ साइंटिफिक इनोवेशन्स हो सकता है पर्टिकुलर कंट्री के पास साइंटिफिक इनोवेशन इतने ज़्यादा हैं कि वो अफोर्ड कर पाते हैं और उनकी इंट्रीग्रेसी या कॉम्प्लेक्सिटी जो है स्पेस लॉज में वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वो कंट्री जिसके पास इतना इनोवेशन या क्रिएटिविटी या साइंटिफिक पर्पज़ है ही नहीं दस द स्पेस लॉज नीड टू बी फर्दर डेवलप्ड एंड आर दस अकॉर्डिंगली डन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन्वॉल्व नाउ नासाज नेशनल नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रिपेरनेस स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान देखिए ये जो स्ट्रेटेजी है नासा की जिसमें कि नीयर अर्थ ऑर्बिट जिसको कि एन ईओ उसके नाम से भी जानते हैं जिसको कि आप नॉर्मल सिंपल टर्म्स में एस्ट्रोड अटैक भी समझ सकते हैं कि अर्थ पर अगर किसी भी तरीके का एस्ट्रोड अटैक आता है तो उससे कैसे डिफेंड करा जाए उसकी पूरी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट जो है नासा ने हाल ही में रिलीज करी है दी एक्शन प्लान इंक्लूड्स इनहेंसिंग दी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सबसे पहली बात आपको डिटेक्ट कर पाएँ उसको ट्रैक कर पाएँ और उसकी जो कैरेक्टराइजेशन कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर भी मॉनिटरिंग कर पाएँ हो सकता है छोटा सा एस्ट्रॉयड हो हो सकता है बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड हो इम्प्रूविंग एनी मॉडलिंग प्रोडिक्शन एंड इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन एंड दिस शोज़ कि जब भी आप न्यूज़ में या फिर मैगजीन्स अगर आप फॉलो करते हैं न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो वहाँ पर अगर हल्का सा भी कोई भी आ, ट्रेंड इस तरीके का अगर आप देखें जहां पर एन की बात करी जाती है नियर ऑब्जेक्ट की बात करी जाती है जैसे ओआ मोआ की बात करी गई थी आ, आ, वन ईयर अगो तो नासा के की पूरी स्ट्रैटेजी है इसके ऊपर यू शुड रिमेंबर कि नासा ने नेशनल नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रिपेयरनेस स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान निकाला है दिस इज वन ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट्स दिस वाज ऑल फॉर टुडे स्टे सेफ एंड थैंक यू